हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेले ब्रिटेन पूजा के संगे। खबर रीवा से है, जहां के एक डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म जैसन वारदात का अंजाम दही नतने नहीं, विरोध करे के बाद महिला के संगे मारपीट करके तोड़फोड़ घलाई करी। बतावा जात है कि महिला के मोबाइल में ही कुछ सबूत रहे हैं, जिसके चलते महिला के मोबाइल घलाई डॉक्टर तोड़ दही। आरोपी डॉक्टर के नाम जोजो उर्फ भानु प्रताप बतावा जात है, जो उनके देवरा के रहे वाले आई। महिला का घसटाए घसटाए अपने कमरे में लई गए, जहाँ नसीली दवाई खवाई के ओके साथ दुष्कर्म करी नहीं पे। बतावा जात है कि महिला अपने मायके आई रही, जेके साथ आरोपी यमे घिनौनी वारदात का अंजाम दे ही नहीं पे। फिलहाल आरोपी चिकित्सक रिपीट फिलहाल अब डॉक्टर सलाखन के पीछे है, वहां पुलिस अब मामले में ही पूछताछ कर रही है। नगर निगम चुनाव को देखे के बैठन में ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीका से प्रचार प्रसार में जुटे। हम भाजपा, कांग्रेस, आप, बसपा, चाहे जदयू हो या फिर शिवसेना, भाकपा जनाधिकार पार्टी हो या सपा के संगे, 12 महापौर पद के दावेदार चुनाव मैदान में ही संगे। हम अपना बता दी कि सब प्रत्याशी अपने अपने तरीका से मतदाता का रिझावे में ही जुटे। हम वह प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला विराट 24 न्यूज का इंटरव्यू दे के कहीं के पार्टी में ही कोनो मेर के बगावत नहीं आए। भाजपा विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा में आदमी नहीं बल्कि पार्टी चुनाव लड़ा थी। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला का माइनिंग कॉलेज के संगे मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज के साथ है तमाम बड़ी सौगात दी नहीं। वह वहाँ बताइन के मुख्यमंत्री खुद 1 जुलाई का ही रोड शो करी और जनता का संबोधित करी। नगरी निकाय के पहले चरण के चुनाव पूरा हो चुका है, वहाँ दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो रहा है। और यही का देखी के कांग्रेस के पदाधिकारी रीवा माही प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन, जोने माही उस सरकार के ऊपर मोर्चा खोलिन। वहाँ पत्रकार वार्ता के समय अपन एजेंडा घलाए बताइन। भारतीय जनता पार्टी में निशाना साध के कांग्रेस नेता कहीं के हमेशा के नाई भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पुलिंदा खुल चुका है। अब सवाल इस बात का हुआ कि जो पेमेंट उनको दे दिया गया था 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया था? वो बैंक गारंटी के शेप में नगर निगम ने दिया था। पूना में कोर्ट में नगर निगम वर्सेस वो कंपनी एक मुकदमा चला। उस मुकदमे के बाद बड़ी मशक्कत उसके बाद वो 1 करोड़ की बैंक गारंटी वापस लाई गई। और तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नगर निगम को विकास के नाम पर कितना भ्रष्टाचार है। अगर इसकी आप तह पे जाइए, इसकी अगर इस आप तह पे जाइए तो सवाल इस बात का है कि हमारी परिषद, हमारा महापौर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्र निर्णय इसलिए नहीं ले सकता कि वहाँ अधिकारियों के वो दबाव में रहते हैं। और अधिकारियों के दबाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि अधिकारी ताकतवर लोगों से संरक्षण प्राप्त होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के भी जो पार्षद हो, कांग्रेस के पार्षदों की तो बात ही छोड़िए, ये तो किसी तरीके से लड़ झगड़ के कोशिश करते हैं, तो मुकदमे लगते हैं। खबर हनुमना से रही, जहां के खटकरी चौकी के सापुर थाना के लगे कोढ़ा मोड़ माही दुठ मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, जोने माही 1 जने के मौत हो गए। वहीं 2 जने का रीमा खातिर रेफर किन गए। अपना का बताई दे कि जहां हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माही अपना का बताई दे कि हनुमना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही घायलन का भर्ती करावागा, पर उनकर हालत नाजुक देखी के रीवा खातिर रेफर किन गए। आज ये खड़ी चौकी के पास हैं, जो कि सायपुर थाना के अंतर्गत आता है। उसमें 4 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, 2 को रेफर कर दिया गया, 1 सामान्य है। इसमें मृतक का नाम है शिवांशु साके, और जो 2 रेफर हुए हैं इसमें शिवम कोल है 20 वर्ष और राम कृष्ण प्रजापति। बात करी थे मऊगंज के, जहां के पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना अपने घरे में ही प्रेस वार्ता के आयोजन करें, जोने में ही वो हाल में मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के पहल चरण के रिजल्ट के बारे में चर्चा करें। ये समय कहें के पहल चरण के परिणाम से यह साफ हुई गा हवा कि जनता अब कांग्रेस के पक्ष में हवा। आई अपना को सुनाई थे प्रेस वार्ता कह के सुखेन सिंह बन्ना का कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर मतपत्र का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का रता पता चलने वाला नहीं है, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ देखिए। आप लोग इनका विरोध नहीं कर रहे, रोड में नहीं उतर रहे हैं आप ईवीएम के लिए? अभी तो चुनाव हो रहे हैं, एक एक व्यक्ति चुनाव में लगा हुआ है, बाकी तो आप देख रहे हो विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र हारे। हमारे यहाँ जो है तो महिला मोर्चा की संतोषी सिसोदिया जी हारी, वो भी शेख मुख्तार सिद्दीकी से हारे। पंचूला विधायक थे, उनकी पत्नी हार गई सरपंची में, और किसका किसका नाम लूँ मैं, समझता हूँ कि अब आने दीजिए, बहुत सारे रिजल्ट हैं।
बस जो मेरी बात थी वो हम आप सबके माध्यम से कह रहे हैं कि जो एससी और एसटी की सीटें हैं, पिछड़े वर्ग की सीटें हैं और जिला पंचायत की जो बाद में काउंटिंग हो रही है उसका लाभ ये जिला पंचायत में लेने का पूरा प्रयास करेंगे, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। रीवा में ही होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन कई एक मतदान केंद्रन के भ्रमण करके आम जनता से बातचीत करी और असामाजिक तत्व और चुनाव में कोनो मेर से प्रभावित करे वाले लोगन के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दीन ही। इस समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम अनुराग तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी घलाए रहे। किसी का सुनना नहीं है, किसी का भी फोन आए, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ का रहा है हिस्ट्री की यहाँ थोड़ी द्वितीय चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और 30 तारीख को सामग्री वितरण और मतदान दलों की रवानगी का काम होगा। उसके पहले हम लोग क्षेत्र में आकर एक सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके हिसाब से कि जो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जिन लोगों के बारे में इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोग हैं जो कि झगड़े लड़ाई करके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण कि लोग मतदान करने के लिए आए और इस तरह का माहौल बने कि उनके पक्ष में वातावरण बने, उन सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो पुलिस और रेवेन्यू की टीम है वो सभी गांवों में सेंसिटिविटी का असेसमेंट कर रही है, उन सभी लोगों की पहचान कर रही है जिनके कारण ये संवेदनशीलता होने की संभावना है, उनके विरुद्ध न केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है बल्कि जहां कहीं भी आवश्यक पड़ रहा है तो जो एक्चुअल धाराएं हैं उनमें केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, एनएसए और जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है और आम नागरिकों को पूरी तरह से इस तरह का एक वातावरण दिया जाएगा ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पंचायत के और अपने सभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग हैं उनका चयन करें। रीमा माही मंगलवार का विंध्य व्यापारी महासंघ के बैठक के आयोजन स्टार होटल मकीन गहबे जोने माही भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा और विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के स्थापना दिवस का मनावे के लेके बैठक बुलाई गई रही है। वहाँ भव्य स्वागत खातिर जोर शोर से तैयारी शुरू की जा रही है। वहाँ घोड़ा चौराहा में कार्यक्रम के जगह निर्धारित की गई है। अपने को बताई दी कि 2 साल के बाद रथ यात्रा निकली जोने खातिर व्यापारी भाई मा भारी उत्साह देखा गा। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। आज के बुलेटिन में बघेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।